हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक इतनी अमेजिंग वीडियो जिससे आप डेली 1 आवर प्ले टाइम कर सकते हैं। ये क्लाउड गेमिंग आज तक नहीं बदला, इस क्लाउड गेमिंग ने आज तक अपना 1 आवर जो देता है वो कभी चेंज नहीं किया। जैसे सब क्लाउड गेमिंग पैड हो चुके हैं मगर इसने आज तक ऐसा नहीं किया था। बहुत पुराना क्लाउड गेमिंग और काफ़ी अच्छा भी हो चुका है। तो मगर मुझे एक भी बहुत अच्छी चीज़ लगती है इसमें, इसका 1 आवर का प्ले टाइम ऐसे चलता है जैसे और क्लाउड गेमिंग के भी मैंने 1 आवर के प्ले टाइम देखे हैं जो फ्री में देते हैं, मगर उनका 1 आवर बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आधा घंटा ही खेला हो, मगर इसका 1 आवर काफ़ी अच्छा खासा प्ले टाइम देता है। मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है, तो इसमें आप काफ़ी अच्छा खासा टाइम प्ले कर सकते हैं, गेम प्ले कर सकते हैं काफ़ी अच्छे खासे टाइम के साथ। और एक बात और अच्छी है, आजकल एपिक गेम्स और स्टीम पर ही दोनों जगह पर काफ़ी अच्छे अच्छे गेम फ्री में क्लेम करने के लिए मिल रहे हैं। तो आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैंने कितने गेम क्लेम कर रखे हैं ऐसे ही फ्री में। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं हम स्टार्ट। वीडियो होने वाली आज की बहुत ज़्यादा अमेजिंग, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और अमेजिंग अमेजिंग वीडियो के लिए। बेल आइकन को ऑल पर क्लिक, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। कहीं ऐसा ना हो जैसे गेम सीसी वाले एमुलेटर में हो या कितने सारों के अब कमेंट आ रही हैं जब वो ट्रिक काम करनी बंद कर गई। लगभग उसने 2-3 महीने तो बहुत आसानी से वर्क किया इस ट्रिक ने जो मैंने बताई थी, मगर अब वो ट्रिक काम नहीं करी तब लोग समझेंगे कि फेक थी वो वीडियो। मगर फेक नहीं बनाता हूँ मैं कोई भी वीडियो, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। यो ठीक है, हमारी वीडियो स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा ये वाला VPN। इसको सिर्फ VPN को आपको एक बार ओपन करना है, मतलब जब आप अपना एमुलेटर खोलेंगे और गेम स्टार्ट करेंगे सिर्फ जब ही ओपन करना है, फिर उसके बाद गेम स्टार्ट होती है आपको इसको ऑफ कर देना है, सिर्फ वहीं पे इसका काम होएगा, उसके आगे इसका कोई काम नहीं। तो चलिए मैंने खोल लिया है, अब हम खोल लेते हैं अपना GeForce Now क्लाउड गेमिंग ऐप। तो इसे खोलने के बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रंट पेज कुछ इस तरह का है इसका। अगर किसी ने अभी तक इस ऐप में रजिस्टर नहीं किया है तो इसे जल्दी से जाके कर लीजिए, इसके ट्यूटोरियल वीडियो काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको वैसे यूट्यूब पर, अगर आप कहेंगे तो मैं भी बना दूंगा। देखिए ये है माई लाइब्रेरी, इसमें मैंने गेम्स क्लेम कर रखे हैं और कुछ खरीद कर भी इसमें रख रखे हैं। तो देखिए जैसे कितने तकड़े तकड़े गेम हैं इसमें, साइबर पंक हो गया और ये सब भी देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे अच्छे गेम्स इसमें चल जाते हैं। ये सब मैंने आधे से ज़्यादा इसमें मैंने क्लेम कर रखे हैं और ख़रीद रखे हैं काफ़ी सारे, तो मैंने इसमें क्लेम कर रखे हैं हिटमैन 2, इस सभी का मैं आपको गेम प्ले दिखाने वाला हूँ अब। तो देखिए ये सभी गेम आप 1 आवर के लिए खेल सकते हैं एक दिन में। ये डेली 1 आवर का फ्री प्ले टाइम देता है और 1 आवर से आप उससे काफ़ी अच्छे खासा प्ले टाइम कर सकते हैं, जैसे होता है कोई और से क्लाउड गेमिंग के। देखिए अगर आपके सामने कुछ इस तरीके की ग्लिच आए तो इसको एक बार बंद कर देना है, दोबारा से खोल लेना है, ये आएगी शायद। मेरे में तो हर बार आती है क्योंकि सर्वर वर्वर का कुछ एरर है इसमें, VPN जो ओपन करता हूँ बस, फिर उसके बाद दोबारा ऐसे ओपन करके गेम पे क्लिक कर देना है, डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइप से आपके सामने कुछ ये आएगा, 5 QM आ रही है इसमें इस टाइम, 7, 7, 6, ये बहुत स्पीड से इसकी सॉल्व हो जाती है, बहुत स्पीड से ख़त्म हो जाती है इसकी क्यों ही क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं। तो देखिए अब गेम प्ले दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, कितना ज़्यादा अमेजिंग हाई ग्राफिक में गेम चलते हैं इसका, इसके गेम्स बहुत हाई ग्राफिक में चलते हैं और काफ़ी अच्छे स्मूथ चलते हैं। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ एविल डेड द गेम का गेम प्ले, फिर इसके बाद आपको दिखाऊँगा हिटमैन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ताकि आपके पास, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपके पास जो मैं न्यू ट्रिक लेकर आते रहता हूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए हमारा हो चुका गेम स्टार्ट, देखिए ज़रा सा भी लैग नहीं है गेम में, इतना सा भी, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ गेम प्ले होता है इसमें। ये अभी तक का सबसे बेस्ट क्लाउड गेमिंग ऐप लगा मुझे क्योंकि इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये सभी क्लाउड गेमिंग में कभी पैड कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी अब हमें ख़रीदना पड़ेगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर हमें एक्स्ट्रा प्ले टाइम लेना है 1 घंटे से अलग तो हम कर सकते हैं, वरना हाँ 1 घंटे वाले भी आपको इसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है मगर 0 पैसे में, मतलब उसकी ट्यूटोरियल वीडियो आप कहेंगे तो मैं बना दूँगा, वरना तो आप काफ़ी सारी मिल जाएंगी यूट्यूब पर फ्री में, परचेस करते हैं हम एक तरह से 1 आवर का प्ले टाइम वाला प्लान। अगर आपको इससे ज़्यादा का चाहिए तो आप पैसे देकर आराम से परचेस कर सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से तो 1 दिन के लिए 1 आवर बहुत होता है। तो देखिए गेम प्ले जैसे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कितना स्मूथ चल रहा है और इसके ग्राफिक कितने हाई हैं,
एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस मे गेट दिस। देखिए मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो लाते रहता हूं, इसके लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं चलता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय द एमुलेटर। The pieces of this map are hidden nearby. Find them. Sometimes a man needs matches. For me, that time is now. Right tool for the job. The story so far. Agent 47 and his handler Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. When all of their recent missions turn out to be contracts for a shadow client, things take an unexpected turn. All their targets have been operatives in an No hostile presence. Understood. Alma Raynard's house is just up the beach. Our intel indicates that she and her team are laying low, most likely planning the militia's next strike. Raynard is one of the Shadow Client's top lieutenants, and yet she's not a target. Not yet, anyway. She's no doubt high on our client's list, but for now, it's information we seek. Infiltrate the house and get us a lead on the Shadow Client. Up for some B&E, 47. On my way.